उधर पंजाब कांग्रेस जो कलेश जा रही है उस विचाले सीएम चन्नी ने एमरजेंसी मीटिंग सद ली है। मुड़ तो यह कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी, कुछ ही देर दे शुरू हो जा रही है कैबिनेट की मीटिंग। दोपहर 12:30 बजे सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। तो कैबिनेट की मीटिंग लेकर तो जानकारी पहले तो ही सी, बीती रात ही जानकारी सामने आ गई सी, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12:30 बजे की जाएगी ये अपडेट जानकारी है तुहानू दे दईए। सो जवाबदेही भी है पंजाब की जनता नाल, जाहिर तौर पर वादे कई किते सुपने कई विखाए, पर हुण जदों फिर आपसी कलेश दे विच पार्टी उलझ गई है तो जाहिर तौर पर पंजाब की जनता लई जवाबदेही तो बनती है। 12:30 बजे किन्हां सवालों के जवाब दे सकनगे सीएम चन्नी यह वेखना होगा। अनमोल गुलाटी जुड़ चुके ने साडे नाल। अनमोल, 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस किन्नी अहम ते उस तो पहला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय लगता है कि 10:30 होने वाली कैबिनेट की बैठक दे विच डिसाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल, 10:30 दे विच जिहड़ी एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई है उहदे विच कहा जा सकता है कि कुछ इहो जिहा डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि मन्या जा रहा है कि जेकर कैबिनेट की गल की जाए सिर्फ इंटरनल क्राइसिस में बिटाउण दे लई कीती जा रही है, लेकिन उत्थे जिंदरजीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है तो कहा जा रहा है कि यह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये कोई डिसीजन भी लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनमोल इस जानकारी देने। हुण रुक करांगे ती खबरां दा फटाफट अंदाज च। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधान दे अहुदे तो अस्तीफा हाईकमान नूं भेजिआ, कहा मैं पंजाब नाल समझौता नहीं कर सकता। सिद्धू दे अस्तीफे ते कैप्टन ने ट्वीट कर कहा कि मैं तो पहले कहा सी कि ओह स्टेबल नहीं है। दिल्ली पहुंचण ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं तो सिर्फ घर खाली करना आया, किसी सियासतदान नूं नहीं मिलना। पंजाब कांग्रेस दे विच सिद्धू तो बाद रज़िया सुल्ताना ने भी अपना अस्तीफा दिता, जनरल सकत्तर ने भी अस्तीफा सौंपिआ। सीएम चन्नी की बैठक से अकाली दल ने चुटकी लैंदे सवाल चुके। विधायक अमरजीत सिंह संधोआ ने सीएम नूं चिट्ठी लिख के कहा विधायकों लई अपने इलाके का विकास करन दे लई कोई फंड क्यों नहीं। नवे खेड ते सिख्या मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि दोवें ही महकमें दे विच काम करन दे लई काफी कुछ बाकी है। माल विभाग की जिम्मेवारी मिलण तो बाद अरुणा चौधरी ने कहा पुरानी धांधलियां नूं जग जाहर करांगे, नवियां नूं होण तों रोकांगे। सुखजिंदर रंधावा नाल डीजीपी का वधीक चार्ज लैण वाले इकपाल प्रीत सिंह सहोता ने मुलाकात की, क्या उड़ीक कर रहे ने लोग इंसाफ की। बीबी जगीर कौर होना ने कहा पंजाब की नवी सरकार विच की बदले है, मंत्री उही पुराने ने। नौजवान भारत सभा ते कीर्ति किसान यूनियन वालों जलियांवाला बाग के नवीनीकरण के खिलाफ पक्का मुफ्त शुरू किया गया। खरड़ फ्लाईओवर के टैट पास अध्यापकों ने जाम किया अपनी मंगों लेके। दिल्ली नैशनल हाईवे से एक टैंपू के अचानक अग लगी, तस्वीर तुहाडे सामने। एनसीआरबी की रिपोर्ट से खुलासा, पंजाब च होने वाले इमीग्रेशन धोखाधड़ी मामले च सब तो वड्डा अंकड़ा लुधियाणा का। बठिंडा च शहीद आजम भगत सिंह के 114वें जन्म दिहाड़े मौके आम आदमी पार्टी ने रैली कढ़ी। कोरोना काल नूं लैके पंजाब सरकार ने भर्ती किए पैरामेडिकल कोविड स्टाफ मुलाजमान नूं हुण रिलीव करन दे हुकम दिते गए ने, मुलाजमान ने धरना लाया। लुधियाणा दे विच लुटखो करन वाले मोटरसाइकिल चोरी करन वाले गिरोह दे 14 मैंबर काबू। अधिकारियों की वड्डी लापरवाही, कारपोरेशन दे अधिकारी मीह पैण दे नाल ही सड़कां ते लुक पाउंदे नजर आए। सीएम दे नाल हुण मुलाकात होवेगी आसान, सरपंचां नूं पंजाब सकत्तर च मिलेगी एंट्री। पीएसपीसीएल दे मुलाजमां ने पटियाला दे बिजली बोर्ड दा मेन गेट बंद कर प्रदर्शन कीता। पंजाब दे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दे शहर मोरिंडा च धरनिआं दा सिलसिला जारी, टैंकियां ते चढ़े ने नौजवान। लुधियाणा दे दुगरी दे विच हाई वोल्टेज ड्रामा जदों इक औरत नूं उसदे पति ते पुत्तर ने घरों बाहर कढ़िआ। मनप्रीत बादल नूं दुआबा तों ते वित्त मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री विभाग मिलण ते बठिंडा च ट्रांसपोर्टरां ने खुशी जाहर कीती। मानसा दे पिंड ख्याला कलां च 27 साला नौजवान ने खुदकुशी कीती। मोगा च किसानां ने भगत सिंह दी सोच ते चलण ते कानून रद्द करा के हटण दी गल कही।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाकियां दी विक्री ते पाबंदी हटाउण तो इनकार किया। चीन ने पिछले महीने 30 अगस्त को भारत दे विच घुसपैठ की कोशिश की। सूत्रों मुताबिक 100 चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके घुसपैठ की कोशिश की। अज ही के दिन 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल अज पूरे हो चुके हैं। 18 सितंबर 2016 को की गई सी सर्जिकल स्ट्राइक। विदेश जाने लई होर इंतजार हजे करना होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ाना ते पाबंदी 31 अक्तूबर तक वधी। विदेश तो पैसा प्राप्त करना हुण आसान। पेटीएम विदेश तो सीधा फंड ट्रांसफर करने की दे रहा है सहूलत।